मामा जी नमस्ते। कॉल करना आप, ठीक है? तो अभी और भी लोग चढ़ रहे हैं ट्रेन में। सो हे गाइस, मैं आपकी होस्ट नूपुर, वेलकम टू माय चैनल इन लॉग नूपुर। सो फ्रेंड्स, आज भाई दूज है और आज का भाई दूज का पर्व जो है इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आज के दिन ऐसा माना जाता है कि और यमराज देवता जो है वो अपनी बहन यमुना जी के घर गए थे। वैसे तो यमराज देवता किसी के घर जाते नहीं हैं जल्दी, अगर जाते भी हैं तो उसका मकसद पीछे कुछ और ही होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यमराज देवता प्राण लेने के लिए जाते हैं, तो ऐसे ही एक दिन वो जो है अपनी बहन यमुना जी के घर पहुंच गए थे। तो उनके आने की खुशी में यमुना जी ने अपने भाई यम देवता को तिलक लगा के वो उनका स्वागत किया था, और तब से ये जो पर्व है मनाया जाता है। और इस पर्व को हम यम देवत्व भी कहते हैं और भ्रातः द्वित्व भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, आज हमारे घर में भी यही फेस्टिवल मनाया जाता है, और चलिए आपको पूरा दिखाएंगे। और एक और बात, आज के भाई बहन जो है यमुना नदी में स्नान करते हैं, तो उन दोनों के भाई बहन का प्यार जो है वो अटूट रहता है, और भाई बहन का प्यार अटूट रहता है, और लंबी उम्र, दोनों की लंबी उम्र भी होती है। तो फिर चलिए आपको पूरा फेस्टिवल दिखाते हैं, आज हम तीनों भाई बहन। तो वीडियो गाइस लाइक कर देना, रात को भी कॉल गाइस, रात को बहुत स्पेशल चीज़ है, तो देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मम्मी भी तैयार है। मम्मी क्या कर रही हो यार? कुछ नहीं। अच्छा, आज भाई दूजे, तुम तो काफ़ी तैयार हो गई, मामा तो आए नहीं अभी तक। मामा आ रहे हैं। तो भाई फ्रेंड्स, आज मेरे मामा भी आ रहे हैं, तो मम्मी तैयार हैं, मामा का इंतजार कर रही हैं, इनका अलग ही चल रहा है। चाची कब आ रहे हैं? वो 2 बजे तक आएंगे भैया। 2 बजे तक आएंगे? और ये देखिए फ्रेंड, मान्या जो है, हाँ ये थाली तैयार करिए पूजा के लिए, पर इसने कुछ ज्यादा ही वो निकाल दिया। गुच्छना ना, बड़ा हो गया लड़का, ये 10th क्लास में है, इसको मैनर्स नहीं है, मतलब मम्मी के पास जगह जाके घुस रहा है। मम्मी को प्यार करने में कौन सा मैनर्स लगता है गाइस? अब मुझे पता है, आप लोग भी जितने बड़े हो जाओ तो मम्मी से लगभग प्यार करते रहोगे। पता नहीं क्या दिखाया जा रहा है। मम्मी खाने में क्या बनाया? छोले मटर आलू की सब्जी, पूरी, चावल, पुलाव। अरे वाह, पहले तो दिखाओ उसमें दिया लगा। तो गाइस, दिवाली के बचे कुछ पटाखे हैं, तो आज रात ये कुछ हम लोग ने बचा लिए थे। इधर दिखाओ, ये सब रॉकेट शॉट्स हैं, रॉकेट शॉट है। तो गाइस, ये रात को हम लोग जलाएंगे इनको, तो आप लोग रात को जरूर देखना। तो चलते चलिए, रात ला दूँ मैं अभी से ही। देखिए ब्लॉगर नूपुर, नूपुर दीदी क्या बन, ये क्या हो रहा है? हमारे लिए पूजा के लिए रखा है। तो गाइस, ये लड़कों के लिए पूजा के लिए रखा है, तो इस पर मेरी पूजा होगी, मुझे मिठाई खिलाई जाएगी, तो मुझे मिठाई खाने बहुत जल्दी है। पापा वहाँ पे फ़ोन देख रहे हैं, ये दोनों अम्मा बिटिया लटकी हुई हैं छज्जे पर, पता नहीं क्या देख रहे हैं, रोड पे चलता हूँ, रोड को देख रही हैं। ये देखिए ये आया है, तो इसको देख रही हैं। तो दिवाली में अभी तक झालरें नहीं उतरी हैं, तो ये देखिए, तो देख सकते हैं। और ये मेरी नल्ली बहन है, इसने खुद ही कहा है हमसे अभी अभी, आप लोग को कैमरे। और अभी गाइस 11 बजने वाला है, बज ही चुका है, 5 मिनट रह गया, तो आपको दिखाते हैं। मतलब ये महाराज, इनकी पूजा है तो इसे पड़े हुए हैं आज तारक में, तो देखा जा रहा है। अपनी जेब जरा हल्की करो गाइस, दिवाली ब्लॉग देखना मेरे चैनल पे, तो आ गया होगा, अब तक तो अपलोड हो गया है गाइस, तो देख लीजिएगा। ये है, आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिखा देना मैं, तो देख लीजिएगा मेरे चैनल पे पड़ा है दिवाली ब्लॉग फुल, तो आपको बहुत मजा आएगा। भैया दूजे क्या दे रहे हैं आज तुम लोग को? जेब हल्की करो यार अपनी। आज ठेंगा मिलेगा, एक ठेंगा। वैसे पापा ने मुझे दिए तो हैं, और गाइस फ्रिज में चॉकलेट पड़ी है, पापा ने मुझे 50-50 डोनेट दिए, पर मैं वो दोन नहीं दूंगा, मेरे जेब में जाएगा। पगलू इल्ला,
फ्रेंड्स देखिए मैंने छोटी सी चौक रखी है, ज़्यादा नहीं मैंने बनाया बड़ा सा, बस इसी पे ही पूजा होगी भैया की। तो ये देखिए गाइस, मैं अपने 50 रुपये नहीं दूंगा, जो 10 रुपया वाली फ्रिज में चॉकलेट पड़ रही है वो तुम लोग यूज़ कर लेना, देना पड़ेगा। नहीं दूंगा माँ, देखो मम्मी मेरे 50 रुपये पापा ने मुझे दिए हैं। पागल हो, बहनों के होते हैं, मैं नहीं देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले हम अपने कान्हा जी को टीका लगाएंगे क्योंकि वो भी तुम्हारे भाई हैं, तो चलिए दिखाते हैं। तो हेलो गाइस, हमारे यहाँ पूजा हो रही है। तो नुपुर दीदी ये देखो कितने भाई होते हैं, नुपुर दीदी ये 7 भाई हैं। तो चलो गाइस, ये लोग तो पूजा कर ही रही है, हम लोग मैं डिसाइड कर लेता हूँ मैं कौन सी मिठाई खाऊंगा। तो गाइस कौन सी अच्छी है, कौन सी गाइस ये वाली खाऊंगा मैं। और सुनो तुम दोनों लोग अपने मन से, ये नहीं गए अपने मन से उठा लो डब्बा, डब्बे सामने करना, मैं ये वाली उठाऊंगा, ये वाली मैं यही वाली खाऊंगा जिसमें चेरी है ये। ठीक, तो यहाँ पे पूजा हो रही है। तो फ्रेंड्स देखिए अभी मेरी बहन कर रही है टीका, हम तो कर चुके अभी। तो फ्रेंड्स अब मेरी बहन जो है वो करने जा रही टीका। तो गाइस ये लो, देने का मन नहीं कर रहा है, ये लो शांति दे दो। अच्छा लो सब दो, वो भी लाओ, वो भी क्या देना पड़ता है। और ये लो रुपुर दीदी, कैमरा मैन के पीछे है, हाथ दिखाओ, ये लो। थैंक यू, मुझे इसी में संतुष्टि करनी पड़ेगी। बाय, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। बाय भाई, दोस्त का स्पेशल खाना वही आज क्या, छोले दही बड़े और ये पता नहीं कौन सब्जी है, पुलाव है, पूड़ी है, गोभी की सब्जी है, उसे गोभी की सब्जी है। तो भैया मुँह में पानी आ रहा है, आलू मटर है, मैं जा रही आलू मटर है। तो जो भी है वो टेस्टी खाना लग रहा है, तो हम जा रहे खाना खाने। अब फ्रेंड्स मेरे मामा जी आए हैं, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत कम ही आते हैं मेरी आदि मामा जी। और मम्मी को तुम बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद आए, मतलब कह सकते हैं बहुत टाइम बाद आए। से मम्मी और चाची कर रही हैं। सो फ्रेंड्स मेरे मामा जी आ चुके हैं, तो मम्मी पूजा कर रही हैं इस टाइम। जैसे कि होता है ना, जैसे मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि भाई जो है अपनी बहन ही घर आते हैं, तो ऐसे कि मेरे मामा जी भी आए हैं आज। तो फ्रेंड्स मेरे चाची जो हैं उनके भैया भी आ चुके हैं, मामा जी आ चुके हैं। तो देखिए
दादी भी बहुत खुश है। फ्रेंड्स अभी हम मामा जी को यहाँ स्टेशन छोड़ने आए थे तो हमने सोचा आपको भी ब्लॉग दे दे। तो अभी जो मामा की ट्रेन है वो 3 प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। मामा की जो ट्रेन है वो कोलकाता जम्मू तभी एक्सप्रेस शारदा एक्सप्रेस है जो कि इसका टाइमिंग जो है वो भी 4 बजे का है, तो अभी 3:45 हो चुका है। तो और ट्रेन जो है वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, 2-3 प्लेटफॉर्म तो एक ही है। चलिए आपको लेके चलते हैं। मामा जी नमस्ते। तो अभी और भी लोग चढ़ रहे हैं ट्रेन में। सो फ्रेंड्स ट्रेन का हॉर्न जो है वो हो चुका है। मामा जी नमस्ते। कॉल करना ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ट्रेन चल चुकी है। शिधापुर रोडवेज बस स्टैंड पे खड़े हैं जिसकी वजह से सारी बसें जो हैं वो लाइन से लगी हुई हैं। और अभी भीड़ तो खत्म हो गई है पर दिन में यहाँ पे बहुत भीड़ थी। आज बज रहा है और भैया ने खाना शुरू कर दिया है। कुछ बोलोगे? मेरे मुंह में खाना ही भरा हुआ है। हाँ पहले चबा लो बढ़िया से। ये देखिए बासी खाना है वैसे बना तो रोटी आज की, ये दोपहर का है। जितने दोपहर का खाना खाया तो कमेंट करें नीचे। और का ये लियो बासी खाना प्लस ताजी रोटी। झूठा खाना हट का। तो अभी हम लोग पटाखे जलाएंगे क्यों? अरे पटाखे जलाएंगे खाना खाने के बाद। अभी रात हो चुकी है और जैसे कि भैया ने बताया था सुबह कि वो पटाखे जलाने जा रहे हैं, तो अभी हम लोग कोई रॉकेट शॉट बचे थे तो वो जलाने जा रहे हैं। तो गाइस हमारे 4 स्काई शॉट बचे थे तो जलाएंगे। तो आप लोग भी देखिए पूरा एंजॉय कीजिए। और अभी देखिए इस टाइम छत पे आए तो बहुत ठंड लग रही है क्योंकि अभी नीचे तो थोड़ा नीचे गर्म था, ऊपर आए एकदम से तो ठंड लग रही है, कपड़े लग रही है। तो अभी देखिए वहाँ पे बहुत से लोग पटाखे जला भी रहे हैं। तो गाय हर जगह पे आ रही है, अब हम लोग जलाएंगे। तो ये देखिए हमारे पीछे और ये देखा गली का हाल बहुत मस्त। दूर जाना ऊपरी दिन। हाँ हाँ ठीक है ऊपरी दूर जाना, दूर जाओ। तो गाइस यूट्यूब पे भी जो वीडियो बन रही है तो आप लोग ये देखते हैं। तो यूट्यूब के लिए अगला व्लॉग कहाँ का आएगा? तो गाइस ये देखिए यूट्यूब पे हम लोग इंस्टा पे लाइव कर रहे हैं पहली बार। तो ये देखिए आप लोगों की ये जो रिकॉर्डिंग है वो। तो गाइस आप लोग भी सामने रहता है वो कभी भी निराश नहीं था, उसका हमेशा मन में कूदता रहेगा पूरे दिन घर पे।
सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये पूरा आज का फैमिली व्लॉग? और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और अभी हमने कुछ देर पहले लाइव भी किया था इंस्टाग्राम पे, तो बहुत से लोग जुड़े, तो बहुत अच्छा भी लगा, बहुत खुशी भी हुई कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और भैया, तुम्हें कैसा लगा? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर जो लोग लाइव पे नहीं आ पाए तो मैं उनको बता दूँ, आप लोग इंस्टाग्राम आईडी को ज़रूर से सब फॉलो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली बार जो लाइव स्ट्रीम हम लोग करेंगे, इंस्टा पे लाइव आएंगे, तो आपको लोग को बता दूंगा इंस्टा पे। इस बार तो हम लोग खूब सारे पटाखे दिखाए, जो आए थे 10-20 लोग, तो बहुत मज़ा आया हम लोग को लाइव में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने अभी तक मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो मुझे नहीं किया है तो जाके कर लीजिए सब्सक्राइब, मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो गाइस, मेरे चैनल पे दिवाली व्लॉग है। हाँ, तो फ्रेंड्स, मेरे भाई का भी यूट्यूब चैनल है व्लॉगर कार्तिक, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और या फिर आपको स्क्रीन पर नाम दिख रहा होगा, या फिर आप मेरी चैनल सेक्शन जो होता है आप उस पर जाके आपको ब्लॉगर कार्तिक का चैनल मिल जाएगा, तो आपको डायरेक्ट वहाँ से आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, बस एंड में यही कहेंगे, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यो कार्तिक थारा भाई, कार्तिक इतने पटाखे दगाएगा किसी ने सोची ना होगी। नहीं सोचना है, अब चुप बैठो। तो गाइस, बाय बाय।